देहरादून में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुई फर्जीवाड़े में अब जांचों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि निगम प्रशासक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों से कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद से ही राजनीति तेज हो गई है और दोनों पार्टी जांच कर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसी क्रम में पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि अगर स्वच्छता समितियों में हुए घोटालों की जाँच होती है तो इसमें कई अधिकारियों, पार्षदों और कोषाध्यक्षों की संलिप्तता आएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य सरकार और नगर निगम को लिप्त बताया और जल्द जांच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। कैसा चाल चरित्र, चेहरा और कैसी संस्कृति है, जहां जहां इसके लोग बैठे वहां वहां फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रतिदिन लाखों का और अभी तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जब से प्रशासनिक अमला वहां बैठा है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब समाचार पत्रों में नगर निगम देहरादून के फर्जीवाड़े और वहां जो लोग हाजिर नहीं है उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, वहां किस तरह से पैसों की बंदरबांट हुई है, वहां किस तरह से मशीन खरीद में घोटाले हुए हैं, ऐसे लाखों के घोटाले प्रतिदिन के हिसाब से, और अभी तक लगभग 1 महीना बीत गया है। एक तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान में है मेरे कार्यकाल में जब मैं वहां पर एज ए मेयर गया था उस समय स्वच्छता समितियों को लेकर मैंने एक जांच बिठाई थी और उस समय 60 लाख से अधिक का घोटाला उसमें निकला था। बाद मैं शासन को भेजा था, शासन में उसमें निर्णय नहीं हो पाए, लेकिन कहीं कहीं झोल रहता है और उसी के कारण मैंने एक व्यवस्था बनाई थी। मैंने जो समितियों का पैसा, जो स्वच्छता कर्मियों का पैसा समितियों के माध्यम से जाता था, मैंने बैंक में सबके अकाउंट खुलवाया और बैंक के माध्यम से ही सबको डायरेक्ट भुगतान की व्यवस्था बनाई थी।